हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, टू इवेल्युएट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम का जो आउटलाइन था वो सारी चीज़ें तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दी थी आपको। तो प्लीज़ जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो इस लेक्चर से पहले वो वाला लेक्चर जरूर सुन लें। उसमें प्रॉब्लम भी डिफाइंड है और क्या करना है वो सारी चीज़ें, और प्रोग्राम हम कैसे डेवलप करेंगे उसका आउटलाइन तक हमने पढ़ा दिया था। तो अगर आप उसको नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ से समझने में, बीच में से समझने में आपको दिक्कत आएगी। अब हम जो हमने आउटलाइन बनाया था लास्ट लेक्चर में, उसके आगे का हम बताते हैं कि उस आउटलाइन को हम ट्रांसलेट करेंगे प्रोग्राम में तो वो हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो टू ट्रांसलेट दिस आउटलाइन इन टू ए प्रोग्राम, वी फर्स्ट क्रिएट ए प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन टू इवेलुएट द मैथमेटिकल फंक्शन वाई इक्वल टू, जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसको इवेलुएट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब इस फंक्शन को आप कैसे बनाएंगे इसको इवेलुएट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए हम ऐसे शुरू करते हैं। सपोज कीजिए ये हमने कमेंट लाइन दिया और हमने लिखा है इवेलुएट द फंक्शन, इवेलुएट द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। इसको इवेलुएट करने का हम फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लिखिए या इसको पैरेंथेसिस में कर दीजिए। ठीक, अब हमने मान लीजिए एक फंक्शन बनाया, उसका टाइप डिक्लेरेशन किया, तो ये लिखा हमने डबल, फंक्शन का नाम रखा हमने कर्व, CURVE, और इसमें आर्गुमेंट हमने दे दिया डबल और एक्स। ठीक है, अब यहां से फंक्शन की बॉडी शुरू की और हमने कहा कि रिटर्न एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए कॉस ऑफ कॉस एक्स जो है, हमें ये पता है कि कॉस एक्स क्या है, इज ए कॉल टू ए सी लाइब्रेरी फंक्शन। अब इसमें क्या होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टेप थ्री दिया था, विच कैरीज आउट द इंटरवल रिडक्शन, दिस स्टेप कैन ऑल्सो बी प्रोग्राम्ड एज ए फंक्शन विच वी कॉल रिड्यूस। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप देखिए, जो लास्ट में हमने प्रोग्राम आउटलाइन बताया था उसमें जो स्टेप थ्री था जिसमें हम इंटरवल को रिड्यूस कर रहे थे, ठीक, तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मान लीजिए कि उस फंक्शन का नाम रखा हमने रिड्यूस, उसमें हमने यही देखा था ना कि भाई उसमें क्या करना था, ये ए और बी के बीच में पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्सएल और एक्सआर ले लिया था, एक्सएल और एक्सआर, फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग वाई एल और वाई आर को कैलकुलेट कर रहे थे और जो बड़ा था, ठीक है, उस पोर्शन को रखते हुए दूसरे पोर्शन को हम हटा दे रहे थे। अगर वाई एल इज ग्रेटर देन वाई आर तो हम इसको रख रहे थे, मतलब फिर ये ए और एक्स एल जो है हमारा बी बन जा रहा था और फिर हम यहाँ पे वही काम कर रहे थे। और अगर वाई आर बड़ा था तो फिर हम यहाँ पे ले आ रहे थे बी ए को और ए बी ऐसे हो जा रहा था, और इसको फिर से हम एक्सएल और एक्सआर करके, ये पिछले वीडियो लेक्चर को आप रिफर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसी हिसाब से ये जो इंटरवल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए मान लीजिए अगर हम रिड्यूस फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे देखिए इस तरह। मान लीजिए दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ये हमने कमेंट लाइन लिखा, इसमें हमने लिखा इंटरवल रिडक्शन रूटीन, रिडक्शन रूटीन। ठीक है, इंटरवल को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो यहां में डिफाइन किया वॉइड, फंक्शन का नाम रखा रिड्यूस और इसको फिर हमने लिख दिया वॉइड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहां से फंक्शन की बॉडी शुरू किया हमने, एक्स एक्सेल, एक्सेल क्या था हमारा, एक्सेल इज इक्वल टू था ए प्लस 0.5 इंटू बी माइनस ए
माइनस सी एन एस टी, ठीक है। और एक्स आर क्या था? एक्स आर था हमारा एक्सएल प्लस सी एन एस टी, ठीक है। अब वाई एल कितना हो जाएगा? तो वाई एल इज इक्वल टू हो गया हमारा कर्व फंक्शन हमने कॉल किया, कर्व किसके लिए? एक्सेल के लिए। और ऐसे ही वाई आर हमने कॉल की, वाई आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर से हम कर्व फंक्शन ड्रॉ कॉल करेंगे एक्स आर के लिए, कर्व फंक्शन ऊपर लिख चुके हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, हम चेक करेंगे दोनों में कौन सा बड़ा है। तो हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ वाई एल इज ग्रेटर देन वाई आर, ठीक है। यानी तो क्या होगा, तो अब इसका हम, अगर वाई एल बड़ा है तो हमको लेफ्ट इंटरवल रिटेन करना पड़ेगा ना, तो इसको हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की बॉडी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने समझने के लिए लिख दिया कि ये कमेंट लाइन में हमने लिख दिया रिटेन लेफ्ट इंटरवल, क्योंकि जो वाई एल की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हमें अभी फिर और चेक करना पड़ेगा, तो उसको रिटेन करेंगे। तो एक्स आर को हम क्या करेंगे, एक्स आर को हम कर देंगे बी, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये तो हो गया आपका जब वाई एल बड़ा है। और मान लीजिए हमने कहा कि इफ वाई एल इज लेस देन वाई आर, तो हमें क्या करना है, हमें रिटेन करना है। तो हमने यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखा रिटेन राइट इंटरवल, राइट इंटरवल, ठीक है। तो ए की, एक्सेल की वैल्यू हम ए में डाल देंगे, ठीक है, और फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन गया इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए। तो दो फंक्शन हमारे बन गए, एक तो कर्व हो गया वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा रिड्यूस फंक्शन बन गया हमारा इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि, अब इसमें ये नोटिस कीजिए दैट द पैरामीटर वी हैव रिफर्ड टू अर्लियर एज सेप इज नाउ रिप्रेजेंटेड एज द करेक्टर कॉन्स्टेंट सी एन एस टी। मतलब क्या हुआ कि देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, जो हमने सेपरेशन के लिए, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने सेपरेशन के लिए यहाँ जो वेरिएबल यूज किया था, वो पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, वहां पे हमने यूज किया था सेप। उसी सेप की जगह पे यहाँ पे हम सी एन एस टी यूज कर रहे हैं, और सी एन एस टी क्या है, ये एक करेक्टर कांस्टेंट है, ठीक। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि दैट दिस फंक्शन डज नॉट इंक्लूड एनी फॉर्मल आर्गुमेंट्स एंड इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग वाया द रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है अभी रिड्यूस, इसमें आप देखिए कोई ना तो फॉर्मल आर्गुमेंट पास हो रहा है, ना इसमें कोई चीज रिटर्न हो रही है। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स इन्वॉल्व एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो सारे जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल वेरिएबल को होल्ड कर रहा है। अब देखिए जब हमने ये दोनों फंक्शन बना दिए हैं, तो अब जो पूरा प्रोग्राम बनाना है हमको टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, उसको बनाना बहुत आसान हो गया है। तो अब इसको जब हम बनाएंगे कि राइट द मेन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम विच कॉज द टू फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, तो देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बीच में कुछ लाइन लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ नाउ वी कैन राइट द कंप्लीट प्रोग्राम एज फॉलोज। अब यहां से हम जब कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे, तो देखिए प्रोग्राम किस तरह आएगा। सबसे पहले हमने कमेंट लाइन दे दिया कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल, विद इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक।
अब इसके बाद हमने ये क्या किया, हमने कहा इंक्लूड stdio.h, फिर हमने कहा इंक्लूड math.h, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी इसलिए math.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लिया। फिर जो हमने cnst यूज किया था उसको यहाँ डिफाइन कर दिया, हमने लिखा डिफाइन cnst, और cnst था कितना, पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए आप shape की वैल्यू हमने क्या ली थी 0.0001, तो वही यहाँ पे cnst की जगह पे यूज हो रहा है। और बाकी जो वेरिएबल्स यूज होने हैं उनको भी डिफाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया डबल, डबल में हमें जरूरत पड़ेगी ए बी एक्सएल वाई एल एक्स आर वाई आर, ये क्या हो गया हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये आ गए आपके एक्सटर्नल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन हो गए। दो फंक्शन यूज होना है, तो फंक्शन हमने फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, void reduce, एक फंक्शन प्रोटोटाइप ये डिक्लेयर हो गया, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक। और एक यहां डिक्लेयर हो जाएगा डबल कर्व, इसमें हो गया आपका डबल एक्सेल, ये भी आपका फंक्शन प्रोटोटाइप यहां डिक्लेयर कर देंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब यहां से जब मेन शुरू करेंगे तो आपने लिखा मेन, यहां पे हमने डिक्लेयर किया डबल एक्स मैक्स और वाई मैक्स, रीड इनपुट डाटा, इनपुट डेटा यानी इनपुट डाटा में देना क्या है, इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वही हमको इनपुट कराने हैं, तो ये हमने इनपुट करा दिया, ठीक है। प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू कोट्स क्लोज, यहां स्कैन एफ करेंगे, लॉन्ग फ्लोट हो गया मतलब डबल हो गया ये, और कोट्स क्लोज एम्परसेंट ए, ये ए की वैल्यू एंटर हो गई, ऐसे ही बी की वैल्यू एंटर कर देंगे तो हो जाएगा प्रिंट एफ b इक्वल टू स्कैन एफ, फिर यहां हो जाएगा एल एफ एम्परसेंट b, ये a और b की वैल्यू एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल रिडक्शन लूप, ठीक है। अब हम क्या चलाएंगे, इंटरवल रिडक्शन लूप, ताकि इंटरवल छोटा होता चला जाए, जिस पार्ट में बड़ी वैल्यू आ रही है वो पार्ट रिटेन करेंगे, दूसरा रिड्यूस कर देंगे। तो हमने कहा डू और यहां हमने लिखा रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन कॉल किया, और ये कब तक करना हमको, वाइल कब तक करना है, जब तक कि पहली कंडीशन तो ये है कि जो वाई एल है हमारा वो वाई आर के बराबर ना हो जाए, ये प्रोग्राम आउटलाइन में देखिए स्टेप थ्री में सब समझाया हुआ है, वाई आर के बराबर ना हो जाए, एंड बी माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन थ्री इंटू कॉन्स्टेंट सी एन एस टी लिखना था, ठीक है। ये आ गया आपका सी एन एस टी, जब तक ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो जाती है तब तक ये रिड्यूस फंक्शन कॉल होता रहेगा और ये लूप चलता रहेगा, ठीक। अब जब एक बार हमारा इंटरवल डिफाइन हो गया कि हाँ अब इस ये इंटरवल फाइनल है, इससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं होगा,
तो हम क्या करेंगे, एक्स मैक्स और वाई मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें हम लिखते हैं आगे कि कैलकुलेट कैलकुलेट एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक्स मैक्स को हमने लिखा, एक्स मैक्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू एक्सएल प्लस एक्सआर, और वाई मैक्स आ गया हमारा कर्व फंक्शन। यहां कॉल करेंगे किसके लिए, एक्स मैक्स के लिए। ठीक है, और प्रिंट एफ कर देंगे हम वैल्यू, प्रिंट एफ स्लैश एन एक्स मैक्स इक्वल टू एक्स मैक्स इक्वल टू परसेंटेज 8.6 एल एफ, और वाई मैक्स इक्वल टू अगेन परसेंटेज 8.6 एल एफ। कोट्स क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मैक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई मैक्स आ जाएगा। ये हो गया, और यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इंटरवल रिडक्शन रूटीन लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरवल रिडक्शन रूटीन, रिडक्शन रूटीन ये आ जाएगा आपका, वॉइड रिड्यूस वॉइड, वॉइड रिड्यूस वॉइड। यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू होगी, एक्सएल इक्वल टू हो गया आपका। तो ये तो ऑलरेडी हम आपको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं रिड्यूस फंक्शन को, तो इसको आपको दोबारा से यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हालांकि मेन, अगर जैसे मेन वो तो हमने अलग से बनाया था फंक्शन, चूंकि अभी कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे फिर दोबारा से वही फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। तो एक्सएल इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू था ए प्लस 0.5 इंटू बी माइनस ए माइनस सी एन एस टी, वो पूरा फंक्शन यहाँ आ जाएगा। फिर हमने कहा एक्स आर इज इक्वल टू हो गया एक्सएल प्लस सी एन एस टी। फिर हमने कहा वाई एल इज इक्वल टू कर्व किसके लिए कॉल करेंगे, एक्सएल के लिए। फिर वाई आर कैलकुलेट करेंगे, फिर से कर्व कॉल करेंगे किसके लिए, एक्स आर के लिए। और फिर हम चेक करेंगे इफ वाई एल इज ग्रेटर देन वाई आर, तो क्या करना है हमको, तो हमें ये करना है कि बी को, एक्स आर को बी बना देना है और रिटर्न करना है। ठीक है, ये तो हो गया जब ये ग्रेटर है। अगर मान लीजिए इफ वाई एल इज लेस देन वाई आर, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि ए को एक्सेल कर देना है और फिर रिटर्न कर देना है, रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया एक तरह से, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि रिटेन लेफ्ट इंटरवल। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, रिटेन राइट इंटरवल। ठीक, अब इसके बाद हमको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
जब आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, आप यहाँ पे से समझने के लिए कमेंट लाइन भी लिख सकते हैं, इवेलुएट द फंक्शन, इवेलुएट द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पे हमने लिखा डबल, फंक्शन का नाम लिखा कर्व, और कर्व को हमने कॉल किया किसके लिए, एक्स के लिए, तो हमने फिर लिखा डबल और एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या चीज ध्यान देने वाली है कि द वेरिएबल ए बी एक्स एल वाई एल एक्स आर एंड वाई आर आर डिफाइंड एज एक्सटर्नल वेरिएबल हुज स्कोप इंक्लूड्स द एंटायर प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि इन सारे वेरिएबल्स को मेन के पहले डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे ये चीज आपको, ये प्रोग्राम तो यहाँ पे आपका एंड हो गया, ये चीज आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं आपके, वेरिएबल्स ए बी एक्स एल वाई एल एक्स आर वाई आर, ये सब कैसे डिफाइन किया गया है, दे आर एक्सटर्नल वेरिएबल, दे आर एक्सटर्नल वेरिएबल्स, और इनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है, और ये मेन से पहले ही डिफाइन किए गए हैं, तो यही यूज होता है एक्सटर्नल वेरिएबल का। अब इस प्रोग्राम को अगर आप टेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो टेस्टिंग डाटा मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप प्रोग्राम बना के रन करा के आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने वैल्यूज दे दी आपको कि ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू है 3.141593। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू इस वैल्यू पे जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको एक्स मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.860394, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वाई मैक्स वो आपको मिलेगा 0.56561096। इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं। क्लियर, तो ये यूज होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स का। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स कैन बी असाइंड इनिशियल वैल्यूज एज ए पार्ट ऑफ द वेरिएबल डेफिनेशन, बट द इनिशियल वैल्यूज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज कॉन्स्टेंट्स रादर देन एक्सप्रेशन। दीज इनिशियल वैल्यू विल बी असाइंड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, द एक्सटर्नल वेरिएबल्स विल देन रिटेन दीज इनिशियल वैल्यूज अनलेस दे आर लेटर अल्टर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इफ एन इनिशियल वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल, द वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0, हेंस द एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर नेवर लेफ्ट डैजलिंग विद अनडिफाइंड गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, तो यानी कि इसी को अवॉइड करने के लिए कि एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है, टू असाइन एन एक्सप्लिसिट इनिशियल वैल्यू ऑफ 0 व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम लॉजिक। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके आपको बता दिया कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप किसी इंटरवल में कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को समझने के लिए पिछली जो वीडियो है वो और ये वीडियो, ये दोनों कंटिन्यूएशन में ही पढ़िएगा, तभी पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी एक वीडियो पहली वाली केवल पढ़ लेंगे, इसके पहले वाली, तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, केवल इसको करेंगे तो बीच में से आप उठाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।